हम इसके प्रति आभारी हैं। मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वानगण, सभागार में बैठे सभी हमारे विद्वान साथियों, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को उल्टा पढ़ और पढ़ा रहे हैं, न केवल इतिहास में, फिलॉसफी से लेकर करके शायद ही कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, ये साहित्य का भी ये सम्मेलन है। कवि कुछ है और विश्वविद्यालयों में उस कवि के बारे में कुछ और बताया जा रहा है। इस सब को हम लोग को सीधा करना और ये जो सीधा करने की प्रक्रिया है ये आम आदमी से सीधा नहीं है, क्योंकि हम लोग आदति हो गए हैं उल्टा जानने और समझने का। अब आप सीधा उसको नहीं सोच सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अब वो आपसे सीधा नहीं होगा, क्योंकि वो परंपराओं से इसी तरह हम उल्टा ही देखते आ रहे हैं। अभी यहां खाना खा रहे थे तो लोगों ने बताया कि इस सतनामी परंपरा का सब ये है गुरु घासीदास। तो हमने कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध का ही एक नाम सतनाम था? अत नहीं सर, ऐसा हम यहां ऐसा। तो कैसे सर आप जाने? हम कहें कि देखिए, आपके देश में पाली और बुद्धिस्ट पर काम करने वाले बहुत बड़े विद्वान हुए, भरत सिंह उपाध्याय, उनका इस पर रिसर्च ही है कि सतनाम तथागत बुद्ध का ही नाम था। तो गुरु जी घासीदास अपनी भाषा में वही कहते हैं, गुरु नानक देव अपनी भाषा में वही कहते हैं, संत कबीर वही कहते हैं, संत रैदास भी वही कहते हैं। ये मामूली चीज थोड़े है, हम लोग को पता ही नहीं है सतनाम क्या है। सतनाम रैदास का मूल्यांकन चल रहा है, किसी को पता ही नहीं है। तो रैदास की किताब पढ़िएगा आप, उसमें है अवध निरंजन। ये निरंजन कौन है? ये बर्मा देश और बंगाल के बीच जो बौद्ध लोग रहते थे उनको रावल कहा जाता था। रावल इसी रावल से रावल पिंडी शब्द बना है, पाकिस्तान वाला बौद्ध नगरी थी रावल पिंडी। रावल माने बौद्ध भिक्खु। इन रावल लोग जो थे ये लोग निरंजन को पूछते थे, सारा रिकॉर्ड बताता है। वो निरंजन कौन है? बुद्ध हैं, बुद्ध ही हैं। उसी की चर्चा संत रैदास ने की है, संत कबीर ने की है, गुरु नानक देव ने की है, घासीदास ने की है। तो आप साहित्य तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कि कौन निरंजन है, कौन सतनाम है। एक उत्तर बुद्धिस्ट परंपरा है, इसलिए एक बार अगर इस एंगल से देखा जाएगा तो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग गलत ही पढ़ रहे हैं और हमारा टोटल देश के विश्वविद्यालय गलत ही पढ़ा। मैं
कभी कभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या पीएचयू में जाता हूँ, वहाँ प्रोफेसर लोगों से कहता हूँ कि भाई कम से कम उल्टा मत पढ़ाइए, उल्टा मत पढ़ाइए। अब तो पता नहीं इसमें हिंदी साहित्य के कितने लोग हैं, अब पढ़ाया जाता है कि हिंदी का विकास जो है अपभ्रंश नाम की एक भाषा से हिंदी का विकास हुआ जो हम लोग हिंदी बोलते थे। अब सारे प्रोफेसर यही जानते हैं, सारे जो हिंदी से एम ए पी एच डी किए हैं बच्चे वो भी यही जानते हैं, तो हम क्या करें? सारे लोग यही जानते हैं, पूरे देश के लोग यही जानते हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। तो हम पूछते हैं कि हिंदी का विकास अगर अपभ्रंश से हुआ तो ये बताइए कि किस कवि ने कहा है कि मेरी भाषा अपभ्रंश है? अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट, गिरा हुआ, पतित, नीचे गिरा हुआ। तो कोई कहेगा कि हमारी भाषा भ्रष्ट है, गिरी हुई है, नीच है, तो पूछते हैं कि बताओ भाई अपभ्रंश किसने कहा कि मेरी भाषा अपभ्रंश है? तो नहीं पता, आपके तो नहीं पता तो क्यों पढ़ाते हैं उनका? मत पढ़ाओ। कोई कहेगा कि हम नीच जाति के हैं, ये तो आचार्यों ने कह दिया और आपने मान लिया। उसी तरह कोई आचार्य ने कह दिया कि ये संस्कृत है, संस्कार की हुई भाषा है, और ये अपभ्रंश है, गिरी हुई भाषा है, आचार्य ने कह दिया, गलती से कह दिया। हम तो कहते हैं कि यहां जो वर्ण व्यवस्था है उसी के हिसाब से तुम्हारे हिंदी में तीन प्रकार का प्रचलन है, तू जा रहा है, तुम जा रहे हो, आप जा रहे हैं, मतलब कि आपके सोसाइटी में तीन तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि आप जा रहे हैं, एक वो लोग हैं जिसको बोलते हैं कि तुम जा रहे हो, एक उससे भी नीच है जिसको हम लोग बोलते हैं कि तू जा रहा है। ये ब्रह्मव्यवस्था का द्योतक है, हमारा सोसाइटी बटा हुआ है, इसीलिए भाषा में वो डिवीजन दिखाई पड़ता है। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, सब को एक दूसरे को क्यों कह रहा है ना, जज मुजरिम को भी यूं कह रहा है, मुजरिम जज को भी यूं कह रहा है, बाप बेटा को यूं कह रहा है, बेटा बाप को यूं कह रहा है। वो सोसाइटी में चूंकि वर्ण व्यवस्था इसलिए हम कहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव मत, तो हम तो कहते हैं कि भाषा से लड़की जाती है क्यों कहते हैं, लड़की जाता है क्या फर्क पड़ता है? तो लोग कहते हैं कि प्रोफेसर साहब क्या क्या भूल जाते हैं। अरे यार सही बोल रहे हैं, तुमको 100 साल के बाद पता चलेगा कि प्रोफेसर ने सही बोला है, अभी तो तुम अंधे हो, तुमको क्या पता चलेगा कि लड़का जाता है यही ठीक रहेगा? लड़की जाता है बहुत दूर, उससे क्या हो जाता है, उससे तुम्हारी भाषा गड़बड़ थोड़े हो जाती है। अंग्रेजी इंटरनेशनल हो गई, राम गोद और सीता गोद की गोजी है तो इंटरनेशनल हो भाषा, कोई भेदभाव नहीं किया अंग्रेजी में, सीता भी गोद राम भी गोद, और तुम्हारे गोजी कौन से तुम्हारी भाषा इसलिए मैं समझ कर रह गई, इसको फैलाना है तो छोड़ो। सब कुछ जिस तरह महिलाओं का ऊपर से लेकर के नीचे तक महिलाओं की पहचान बनाई जाती है, पायल लगा करके, सिकड़ी पहना कर करके, यहाँ फूल लगा कर करके, उसी तरह भाषा में भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए पता नहीं कितना प्रोविजन ये लोग किया,
और उतना लड़का पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए, मर जाए। वहां है कि गुड बॉय गुड गर्ल, अब यहां है कि अच्छा बोलो लड़की है तो, लड़की है तो अच्छी बोलो, लड़का है तो अच्छा बोलो। ला एक लफड़ा हो, क्या तमाशा है, सबको अच्छा बोलो ना, उसे क्या दिक्कत है। मैं कह रहा हूं ना कि भाषा पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला, जेंडर विहीन कास्ट विहीन तुम सोसाइटी को करते हो तो तुम भाषा को भी ये किया जा सकता है। बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें सब नहीं है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। राम की लड़की, राम का लड़का की, सब इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 1.5 लाख करीब शब्द हैं हिंदी में, ईंट टूट गया कि टूट गई, बालू झींगा है कि झींगी है, फालतू चीज है यार। इस वैज्ञानिक युग में तुम ईंटा और बालू का लिंग जेंडर पकड़ रहे हो, ये सब छोड़ दो, इसे ये सब रोग है, इसको हटाओ। 1.5 लाख शब्दों का 2 नंबर का तुम याद करोगे उतने में तो मैं कहता हूं कि तुम रैकेट बना दोगे या अपने विषय में बहुत आगे डेवलप कर जाओ। उसका ना कोई फॉर्मूला है ना कोई उसका बेस है, तुम रटे जा रहे हो, और जो नहीं रट रहा है उसको बेइज्जत कर रहे हो। इसको कुछ नहीं आता है, बालू को स्त्रीलिंग बता रहा है कि पुल्लिंग बता रहा है। अरे भैया तो इतना सारे निर्जीव है, सब कितना आदमी रखेगा, कुर्सी है टेबल है ब्लैक बोर्ड है क्या है क्या है, इसको रखने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आज की तारीख में लगेगा कि हम भाषा को विकृत कर रहे हैं, लेकिन आपके आपकी भाषा को डेवलप होने का मैं सूत्र बता रहा हूं। खैर बात कहीं से कहीं चली जाती है, छोड़ दूसरी तरफ चलिए। तो निशान साहब ने कहा कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टि पैदा करना चाहते हैं समाज में, तो मैंने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है। संविधान भी कहता है कि सोसाइटी में वैज्ञानिक दृष्टि पैदा होनी चाहिए। तो फिर सर आप बुद्ध बुद्ध क्यों रखते हैं, वही वैज्ञानिक दृष्टि है। देखिए बहुत सारी चीजों को हम नहीं जानते, नहीं जानते। एक चीज आपको बताऊं कि जो 1, 2, 3 है, जो इंटरनेशनल डिजिट है अंक में, को अरबी कहा जाता है। मतलब कि अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, हम 1, 2, 3 को अरब देश से लिए हैं। लेकिन अरब वाला क्या कहता है, वो कहता है कि भैया हम बहुत बड़े विद्वान नहीं हैं, अरबी भाषा में इंटरनेशनल डिजिट 1, 2, 3 को हिंदसा कहा जाता है, माने भारत से हम दिए। तो 1, 2, 3 का डेवलपमेंट यही भारत से हुआ और बुद्धिज्म से हुआ, यही यूरोप तक गया। और नहीं तो यूरोप वाले जानते हैं 7वीं सदी में अरब वाले 1, 2, 3 को इंडिया से ले गए अरब देश, अरब वालों ने अरब वालों से 12वीं सदी में इंग्लैंड वाले ले गए 1, 2, 3 को। तो 1, 2, 3 हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3 ऐसे, अंग्रेज पहले ऐसे नहीं लिखता था, रोमन में लिखता था, रोमन में।
तो 33 लिखना है, 33 तो कैसे लिखता था रोमन, एक्स एक्स फिर एक्स फिर एक पाई फिर एक पाई फिर एक पाई एक बीटा का लिखता था। अरे तो मूर्ख तो एक बीटा का तुम लिखेगा तुम्हारा रोजी रोजगार चलेगा, दुकान चलेगी तो वही एक बीटा का लिखते रह जाओगे। तो यही सब पढ़ता था, यही कारण था कि यूरोप में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। कैसे हो तुम तो एक हाथ का लिख रहा था 33, यहाँ तो ऐसे ऐसे कर दो 33 हो, वहाँ एक्स 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 फिर एक पाई फिर एक पाई ऐसे लिखकर के जोड़ रहा था। तो जब 12वीं सदी में ये बुद्ध के देश से जब गया 1, 2, 3 वहां, तब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए विश्व इतिहास, तो 12वीं सदी में भी वहां पर व्यापारिक क्रांति होती है यूरोप में। यही जाने से केवल जोड़ना घटाना आसान पड़ गया, फैक्ट्री में दुकान में तो व्यवसाय का डेवलपमेंट। और आप कहते हैं कि बुद्धिज्म ने कौन सा विज्ञान दिया, ये विज्ञान दिया बुद्ध ने पहली बार ही कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। आपको लगेगा कि ये कौन बड़ी बात कह दिए, आप जरा पीछे जाकर सोचिए कि कितनी ये बड़ी बात है। ये अमेरिका वाले ये पूरे यूरोप वाले ये तो इधर जाने भाई ज्यादा साल नहीं होगा, बिना कारण का कार्य नहीं होता है, ये सब नहीं बुझाता था, इधर जा रहा है 16वीं सदी। अब बुद्ध उतना पहले कह दिए कि कोई भी कार्य है वह तो बिना पहुंच का नहीं होता, बहुत बड़ी बात। वो आदमी कैसे सोच लिया आज से मैंने 2500 साल से पहले, इसको यूरोप में बेकन ले गया कार्य कारण सिद्धांत को बुद्ध के, कब 16वीं सदी में। अब जोड़ लीजिए मैंने 500 साल पहले ये सब जगह बेकन ने कहा कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है। तो जब ये यूरोप के लोग जाने तभी यूरोप में वैज्ञानिक बोध पैदा हुआ, और तभी वहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुआ। अगर ये बुद्ध का सिद्धांत यूरोप में नहीं जाता कार्य कारण का, तो वहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा नहीं होते। आपको पता ही नहीं कि न्यूटन और गैलीलियो कैसे पैदा वहां फिजिक्स से हुए। न्यूटन और गैलीलियो से पहले 16वीं सदी से पहले क्यों नहीं वहां न्यूटन और गैलीलियो पैदा हुए, यही कारण है। इस कारण को हम नहीं समझ पाते, दुर्भाग्य। आप लोग तो कई लोग यहाँ कोई बीए में पढ़ा होगा कोई एमए में पढ़ा होगा, तो आप लोग जब बीए में एडमिशन लिए होंगे एमए में तो याद कीजिए जुलाई महीने से सेशन चलता है, जुलाई महीने से, जनवरी से नहीं चलता है, जुलाई से चलता है। ये सारे जो छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी हैं तो यहाँ पर जो पढ़ाई होती है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की तो जुलाई से जनवरी से नहीं, क्यों? तो हमको लगेगा कि वो अंग्रेज लाया भारत में, अंग्रेज नहीं लाए, भारत से अंग्रेज ले गया। पहली बार बुद्ध ने सारनाथ में जो ज्ञान दिया था वो जुलाई महीने में दिया था, आषाढ़ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा हमेशा जुलाई में पड़ता है। बुद्ध ही गुरु थे, विश्व गुरु थे, और उन्होंने जब सार्वजनिक अपना शिक्षा दी थी जुलाई महीने में, इसी से भारत नहीं पूरे यूरोप में जो विश्वविद्यालयों का जो चलता है सत्र तो जनवरी से नहीं जुलाई से, ये आपका बुद्धिज्म है, आप कहाँ हैं। लेकिन हम लोग न इस ढंग से सोचते हैं और न इस ढंग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को चीजों को समझना हो
हम लोग अपने को ही नहीं समझ पाते। अच्छा एक एग्जाम्पल मैं दे रहा कि एक यहां राजा हुए सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का जो हुकूमत था वो 52 लाख वर्ग किलोमीटर में था। बांग्लादेश भारत से लेकर करके इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान वहां था। तो हम लोग अफगानिस्तान में क्या देखते हैं कि उसने लिपि के लिए लिपि स्क्रिप्ट के लिए सम्राट अशोक ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वो है लिपि, LIBI लिपि। लिपि माने लिपि लिखी जाती है ना, लिपि हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्रिप्ट, इसको अशोक ने कहा लिपि, LIBI। ये सब मिल जाएगा इंटरनेट पर भी मिलेगा, वहां पढ़िएगा उसका शिलालेख तो मिल जाएगा। लिपि माने लिपि, और इसी से सीखा लैटिन भाषा वाला यूनान वाला। अब उसने किताब को कहा लिबर, वहां किताब को क्या कहा जाता है लैटिन भाषा में लिबर, LIBER लिबर। और जहां किताबों का जमावड़ा होता है उसको अंग्रेज बोलता है लाइब्रेरी। देखिए अशोक ने लिखा लिपि, सबसे पहले लिपि की विकास, लिपि का विकास हुआ। और जब लिपि बन जाएगी तब ना किताब लिखेगा, और लिपि नहीं रहेगी तब कैसे किताब लिखेगा। मतलब कि सबसे पहले अशोक ने लिपि यहां थी, और उसे लैटिन वालों ने किताब बनाई लिबर, LIBER किताब लिखी गई, और तब अंग्रेजों ने किताब रखने के लिए लाइब्रेरी बनाई। लिपि, लिबर और लाइब्रेरी रिलेटेड सब। आप कहां थे और आज कहां? आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं कि आज भी चाइनीज भाषा की डिक्शनरी है, मेरी डिक्शनरी 95 भाषाओं की, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, जर्मन, तमिल, मलयालम, बंगला, कन्नड़, मैंने अकेले ही लिख डाली। आप चाइनीज भाषा की डिक्शनरी पढ़िएगा, आप जापानी भाषा की डिक्शनरी पढ़िएगा, आप कोरियाई भाषा की डिक्शनरी पढ़िएगा। जानते हैं चाइनीज भाषा में, कोरियाई भाषा में, जापानी भाषा में स्वर किसको कहा जाता है? स्वर भारत को कहा जाता है। हिवेन जनक स्वर मतलब इंडिया, तीनों भाषा आप जाकर पढ़िएगा। क्यों? तथागत बुद्ध के कारण। अब सोचिए कि जिस देश को चीन, जापान और कोरिया के लोग स्वर्ग कहते हैं, आज उस देश के निवासी आकाश में स्वर्ग खोज रहे हैं। ये कैसा देश होगा? मैं खुद ही विचार करता हूं फाहियान के साथ एक यात्री आए थे, उनका नाम था ताओचिंग ने कहा कि फाहियान तुमको लौटना है तो चीन लौट जाओ, मैं अपने वतन नहीं लौटूंगा, यह देश बहुत प्यारा है, बुद्ध की धरती है, स्वर्ग से भी सुंदर है, मुझे अब इसी देश में रहना है और इसी देश में मरना है। और लिखा डायरी में फाहियान ने कि ताओचिंग ने कहा कि यदि कोई अगला जन्म होता हो तो मुझे जन्म इसी बौद्ध भारत में होना चाहिए। ये बात लिखी है। कैसा सुंदर देश था, और हम लोगों ने इस देश को क्या बना रखा।
इब्न हौकल दसवीं सदी में बगदाद से भारत आया, उसने भारत का पहला नक्शा बनाया है जिसमें गुजरात और सिंध शामिल है। वो नक्शा मिल जाएगा आपको नकवी की किताब में जो ये इलाहाबाद से छपी है। इब्न हौकल ने जो पहली बार भारत का नक्शा बनाया था उस नक्शे में भारत का नाम बुद्ध देश है, बुद्ध देश है, लैंड ऑफ भूपा। अब तो तमाम जगह खुदाइयां हो रही हैं। अभी छत्तीसगढ़ के सिरपुर में, आरंग में, रीवा में, अभी हम गए थे धमधा, बुद्धिज्म की अकूत संपत्ति भरी पड़ी है। पूरा छत्तीसगढ़ की धरती के नीचे बुद्धिज्म का अकूत खजाना है। रायपुर के आसपास तो हम पिछले बार गए थे सिरपुर, तो वहां गए तो लोगों ने बताया कि सर इसका नाम पुराना है श्रीपुर। हमने कहा कि श्रीपुर ये क्या है, कहा कि सर यही पुराना नाम। हम कहते ये पुराना नाम नहीं हो सकता है, कारण कि जो श्री शब्द है वो हम लोग को पहली बार इलाहाबाद के किले में एक शिलालेख है ईसा के बहुत बाद का, वो है चौथी सदी की, उसमें हम लोग को पहली बार श्री शब्द मिलता है। लेकिन श्री शब्द श्री ये बुद्ध का नाम था, ये पहले से मिलता है। और उसी बुद्ध के नाम श्री पर सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, श्रीनगर जिसको हम लोग श्रीनगर कहते हैं। ये तो इतिहास हम लोग पढ़ा देता है, इतिहास तो उल्टा पढ़ाया जाता है, कहता है कि बुद्ध के कारण देश गुलाम हो गया। कहे भाई, अच्छा बुद्ध ने कहा कि हिंसा मत, देश गुलाम हो गया। वहां ऐसे बोलेगा, यहां बोलेगा कि गांधी जी ने अहिंसा से देश को आजाद करा दिया। क्या तुम्हारा इतिहास है भाई, उल्टा बोलते हो। वहां कहते हो कि बुद्ध के कारण देश गुलाम हो गया, यहां बोलते हो कि गांधी जी के कारण देश आजाद हो गया। अब उन्हीं का सिद्धांत ये भी चला है, इसी तरह बकवास है। तो इस बकवास को समझना पड़ेगा। तो हमने कहा कि वहां श्रीनगर की स्थापना की और यहां वो श्रीपुर है। तो कहा कि सर श्री मान तो लक्ष्मी होती, लक्ष्मी होती, आपकी श्री माने लक्ष्मी होती है तो तुम पुरुष हो ना, तो श्री क्यों जोड़ते हो यार, महिला क्यों जोड़े तो श्री, तो उसको श्री मत लगा दिया, आपने श्री जोड़ने लगा, उल्टा पुल्टा मत सिखाओ। तो यही जो श्री है ना, वही दक्षिण भारत में तिरु है, तिरु तमिल भाषा में जो स है ना वो त तो हो जाता है। यहां हम लोग समय बोलते हैं, टाइम के समय, वहां तमिल भाषा में तमय है, तमय तमय। तो इधर का जो श्री है उधर तिरु है, आप उसी बुद्ध के नाम पर तिरुपति है, उस तिरु सिरु श्री है, तिरुवंतपुरम है, तिरुवंतपुरम। अभी एक आए थे पत्रकार, वो हमारे मुंह से निकल गया कि सर भिलाई भिलो का गांव था। सर आप क्या क्या बोलते हैं, हम क्या सही बोलते हैं ना,
भिलवाड़ा, भिलाई, भिलसा, ये सभी भीलों के नाम पर है। तुमको क्यों आश्चर्य हो रहा है? मैं तो बराबर कहता हूं, अब ठीक से ध्यान दीजिएगा, अपने आसपास के गांव का जो नाम है वो आपको अजीब सा लगेगा। सब ट्राइबल नाम है गांव का। अब अपने नाना गांव, मामा गांव को याद देखिए, संस्कृत या अंग्रेजी में आपके नाना मामा गांव का नाम है नहीं मिले। वहीं से हिस्ट्री आपका खुलता है। तो सीरीपुर में यहां आए हुए हैं नरेश जी और भाई साहब, तो वहां वे इंसान गया था और इंसान ने जैसे जैसे बताया कि सिरपुर में यहां ऐसे गए, यहां ऐसे गए, पहले मिला वो मिला, भाई साहब खुदाई हुई ना, तो जहां जहां बताया था वही वही चीज वहां मिला। उस समय का सिरपुर उसने देखा था अपनी आंखों से। अब उसी आदमी ने लिखा कि बुद्ध से पहले भी कुछ हुए। एक आदमी नारायण, आप विश्व गुरु क्यों कह देते हैं बुद्ध को? हम कहते तो तुम बताओ कि तुम सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कह देते हो? क्यों कहते? सिकंदर ने एशिया का 5% जमीन जीती थी और यहां बुद्ध पूरा एशिया ही जीती है, तो कौन विश्व विजेता हुआ? उल्टा इतिहास मत लिखिए। अगर सिकंदर विश्व विजेता था जो 5% एशिया का जमीन जीता, तो यहां चीन, जापान, कोरिया से लेकर के श्रीलंका, पूरा एशिया को बिना तलवार का जीतने वाला आदमी विश्व गुरु कैसे नहीं हुए? तो जब पहली बार मैंने कहा कि भारत विश्व गुरु है तो बुद्ध के कारण, तो बहुत सारे लोग हमारी दोस्ती छोड़ के चले, हमारी तब उल्टा पुल्टा लिखता है। और आज देखते हैं 10-20 साल के बाद कि सभी लोग लिख रहे हैं कि बुद्ध के कारण ही भारत विश्व गुरु है। तो मेरी जितनी भी स्थापनाएं आज नहीं 100 साल के बाद सभी सत्य हो, एक भी गलत नहीं। आज आप भले उल्टा हो, तो मैंने कहा कि बुद्ध से पहले भी हुए। लोगों ने कहा कि क्या प्रोफेसर साहब आज भी कथा कहानी सुनाने लगे, बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए? तो हम कहे कि भाई ये बताइए कि मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ाते हैं कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए, तो वो भी झूठ है क्या? अगर वो सत्य है कि सिख धर्म में 10 गुरु हुए, तो बुद्धिज्म में अगर 27-28 गुरु की मैं बात करता हूं, तो तुमको उल्टा क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? न्यूटन को सेव के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिल सकता है, तो बुद्ध को अगर पीपल के नीचे मिल गया, तो तुमको आश्चर्य क्यों हो रहा है? मत आश्चर्य करो। तो हमारे पास तो पुख्ता सबूत है कि बुद्ध से पहले भी बुद्ध हुए। मैं अभी नेपाल सरकार के आग्रह पर नेपाल गया था। एक बुद्ध को तो आप लोग जानते हैं, जिनको हम लोग शाक्य मुनि बुद्ध कहते हैं, शाक्य मुनि बुद्ध। उनके पहले एक कश्यप बुद्ध हुए, ठीक उनके पहले। कश्यप बुद्ध का जो गांव था वो उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती से 14 मील दूर था। आज के तारीख में उस गांव का नाम है टनवा। वो स्थापित तथ्य है।
और उसकी चर्चा घनश्याम और उपाहयान दोनों में लिखा और सब बुद्ध से पहले कोरा गमन भूत हुए। तो मैं नेपाल गया तो देखा कि सम्राट अशोक ने कोरा गमन बुद्ध है, शाकमुनि बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, कोरा गमन बुद्ध, कोरा गमन बुद्ध की स्मृति में बहुत बड़ा पिलर खड़ा कराया निगली हवा में। मैं आंखों से देखा वो पिलर गिरा हुआ है, बहुत विशाल है और उस पर लिखा हुआ है तब की लिपि में, अशोक की लिपि में, कि मैं इस स्थान पर आया और कोरा गमन बुद्ध का यहाँ स्तूप था, हमसे बहुत पहले बना हुआ, उसका मैंने रिपेयर कराया और उनकी स्मृति में यहाँ पिलर गड़वाया, लिखा है इस पर, जाकर आप देख सकते हैं। तो जिस अशोक के इंस्क्रिप्शन अभिलेख शिलालेख के आधार पर तुम पूरा भारत का इतिहास लिख रहे हो, उसी इंस्क्रिप्शन के आधार पर तुम कोरा गमन बुद्ध का इतिहास क्यों नहीं लिख रहे? वो तो है। फिर वहां से हम कार से चले गए कोरा गमन बुद्ध से पहले ककुसंद बुद्ध, वो कहां के थे भाई? वो गोटिहावा के। तो गोटिहावा आप जाइएगा ना, मैं गया था, तो वहां भी सम्राट अशोक का पिलर है, वो पिलर टूट गया है लेकिन 4.5 फुट इतना ऊंचा अभी भी है। वो ककुसंद बुद्ध की स्मृति में वहां सम्राट अशोक ने पिलर गड़वाया था। सम्राट अशोक न केवल राजा, बहुत बड़ा इतिहासकार था। बुद्ध का इतिहास तो मिट गया होगा, तो सम्राट अशोक ने जहां जहां ज्ञान लिया, यहां जन्म लिए थे वहां पिलर गड़वा दिया, यहां उनको ज्ञान लिया वहां पिलर गड़वा दिया, खोजवाया, बहुत सारा इतिहासकार रखा था, कहां भाई ज्ञान दिए तो यहां पिलर गड़वा दिया, कहां कहां उनका निर्माण हुआ वहां पिलर गड़वा दिया। अब उसी पिलर को देख करके फाहियान और हेमशान ने डायरी अपनी लिखी, बोध गया गए, सारनाथ गए, कुशीनगर गए, खूंटा गाड़ दिया था ना सम्राट अशोक, निशानी गाड़ दिया था, और वो भी निशानी है सब। वो पिलर मैंने देखा अभी लोरिया अधिराज सम्राट अशोक का, 10 बजे सुबह मैं पहुंचा था। क्या उसकी चमक है भाई साहब, आंख जीत जा, जो सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट हो रही थी 10 बजे, उस पर जो लेटर लिखा था एकदम चौकोर, सम्राट अशोक के लेटर का देखिए यही पहचान है, एकदम वर्गाकार, वर्ग की लंबाई उतनी चौड़ाई, अगर वैसी नहीं है तो समझिए कि सम्राट अशोक का लिखाया ही नहीं। आज की प्रिंटिंग प्रेस भी उस तरह के लेटर की छपाई नहीं कर सकती, जितना बढ़िया वो छपाया। अभी एक सम्राट अशोक का शिलालेख मिला है मठमोरिया बसा गांव, मैं गया था देखने के लिए, क्योंकि पहली बार लोगों ने देखा उसे। आज से 2500 साल से भी पहले, क्योंकि कोई को मालूम नहीं था, मैं देखा तो दंग रह गया, लगा कि पहाड़ पर आज ही कोई रात में लिख कर करके उतर गया, अब मैं सुबह में जा रहा हूं देखने के लिए। मैंने 2500 साल से भी पहले का लिखा हुआ वो जो चमक हम देखे, वो हमारे जिले के बगल में कैमूर में, कि भाई उसकी चमक अभी इतनी लग रहा है कि रात में कोई था, तो पिलर गड़वा दिया, खूंटा गड़वा दिया, जैसे खेत खेत को पहचान के आदमी नहीं खूंटा गाड़ देता है, यहां से यहां तक जमीन हमारी है, उसी तरह सम्राट अशोक ने जहां जहां बुद्ध का ये ऐतिहासिक स्थान था वहां पिलर गड़वाया। वो पिलर नहीं गड़वाया होता तो फाहियान को ठाक मालूम, इंडिया का क्या है, हेमशान को क्या ठाक मालूम, और फाहियान और हेमशान को ठाक नहीं मालूम तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ठाक मालूम, कहां से आ जाता है।
सारनाथ बोधगया, बोधगया का मंदिर देखे ना कितनी ऊंचाई है। ये तो अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि ताजमहल अजूबा है। फिर से भाई साहब जा करके देखा, महाबोधि टेम्पल को ठीक से देखिए। अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है ठीक से, ये मूल्यांकन कर नहीं नहीं आता है। फिर से देखिए, ताजमहल नहीं महाबोधि टेम्पल अजूबा है। अगर कोई स्थापत्यकार वास्तुकला का जानकार अगर ठीक से उसको देखे तो मैं 10 बजे रात में उसको देखा बहुत ध्यान से, क्या उसका स्थापत्यकला फिर से देखे। दुर्भाग्य देश का कि उतना ऊंचा टेम्पल मिट्टी से ढका हुआ था, मिट्टी से। सुजाता के गांव की खोज तो इधर हुई है ना, जो बुद्ध को खीर खिलाई थी, उसकी गांव की खोज इधर 2006 में हुई, नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री हुए। उतना ऊंचा स्तूप है सुजाता का निरंजना नदी के उस बगल, इधर महाबोधि टेम्पल गया। तो इससे भी ऊंचा, जितना ही बड़ा घर है इससे भी ऊंचा, कैसे इसको मिट्टी से ढका गया था कि हजारों साल लोगों को पता ही नहीं चला कि इसमें क्या। कि 2006 में उसकी जानकारी, अरे ये तो सुजाता का घर है, सुजाता का स्तूप है, वहां लिखा हुआ है। वहां भी सम्राट अशोक ने निशानी गाड़ी थी पिलर, वहां भी वही पिलर और महाबोधि टेम्पल में वहीं से उठा कर करके महाबोधि टेम्पल में वो पिलर रखा हुआ है जिस पर लोग पैसा फेंकते हैं, वही पिलर सुजाता का। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो खोज की तो वो तो फाहियान और हेनसान ने जो अपनी डायरी लिखी थी ना उसी आधार पर। इधर है, इधर है, इधर है, तो सारनाथ की खुदाई हुई, मिल गया सारनाथ, प्रेक जगह मिल गया, महाबोधि टेम्पल मिल गया, श्रावस्ती मिल गया, कुशीनगर मिल गया, लुम्बिनी मिल गया, ये सब उसी की डायरी का आधार। ये तमाम लोग पहते हैं इंसान और फाहियान कि बुद्ध से पहले भी हुए। पूरा फाहियान ने एक चैप्टर ही लिखा है, 20वां चैप्टर बुद्ध से पहले के बुद्ध पर चैप्टर लिखा है भाई साहब। हरहुत और सांची के स्तूप पर उस पर पुराने बुद्धों का वर्णन है, ओरागमन बुद्ध का, कौशल्य बुद्ध का। अभी कोलकाता म्यूजियम में जाइए, ये सब भरहुत के स्तूप पर लिखा हुआ पुराने बुद्धों का नाम है। अभी है तो भरहुत में मिलता है, सांची में मिलता है, खैयान हंसान की डायरी में मिलता है, हर जगह मिलता है। यहाँ का तो अमेरिका गया था, मैं जो बता रहा हूँ कौशल्य बुद्ध का जो अवशेष मिला है उसका चारकोल अभी दुनिया की जो सबसे बड़ी जांच करने वाली जो लैब है अमेरिका में पीटा रे से वहां गया था, और अमेरिका से वो रिपोर्ट आ गई है। आप इंटरनेट खोल कर पढ़ लीजिए पकुशंद बुद्ध के गांव की, वो रिपोर्ट जो आई है अमेरिका के जो लैब ने दिया है वो बता रहा है ये चारकोल जो है ये 8वीं नवी सदी का है। तब तो हमारा विश्लेषण सही है। एक बुद्ध का समय अगर 50 साल से थोड़ा ज्यादा मानिएगा तो आप 27 बुद्ध का से गुना कीजिए तो देखिए आप कहां पहुंचते हैं, सिंधु घाट की सभ्यता में। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंधु घाट की सभ्यता वो सभ्यता है, सिंधु घाटी तो मिलती ही नहीं, सिंधु घाटी तो मिलती ही नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जानते हैं कैसे हुई है, अस्तूप की खुदाई में, अस्तूप की खुदाई में सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता में अस्तूप मिला तो क्या मिला, मोहनजोदड़ो में जाइएगा तो
तो सबसे पहले जो सबसे भव्य इमारत है वो स्फूर्ति है, एकदम विशाल का, उसी की चौकी दिखाई पड़ेगी मंजू रोड। हमारे आगे इतिहासकार कहता है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय का ही नहीं, वो कुषाण काल का। अब आया है जर्मनी और इटली का पुरातत्ववेत्ता और उसने लिख दिया साइंस पत्रिका में, नहीं नहीं नहीं, ये स्तूप सिंधु घाटी सभ्यता के समय जाओ, सारे भारत के इतिहास का मुंह पर चादर ढाक कर करके मुंह छिपाए हुए है, जाओ क्या करें। हम लोग तो कुषाण काल का कह रहे थे, ये तो इटली और जर्मनी के इतिहासकार बता दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। हड़प्पा में बहुत बड़ा स्तूप था जिसका फोटोग्राफ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में, जिसका ईंट एक एक उखाड़ करके छिटारों ने फेंक दिया, इसी धोलावीरा की खुदाई हुई है। धोलावीरा में धमचक प्रकार का स्तूप मिला है, धमचक प्रकार का स्तूप धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत विशाल नगर। वो धमचक प्रकार का जो स्तूप है वो हम लोगों को पंजाब के संभोग से मिला, हड़प्पा में स्तूप मिला है, मोहनजोदड़ो में स्तूप मिला है। अरे और गोली मारो ना भाई, तुम्हारे वीरगढ़ में खुद दो बार स्तूप आया है, तो कैसे कहते हो कि बुद्धि की परंपरा नहीं है। गौतम बुद्ध को तो सभी किताबें लिखा ही है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक संस्थापक थोड़े कहीं लिखा हुआ, प्रवर्तक थे, इसकी परंपरा थी और बड़ी समृद्ध परंपरा थी। अभी हम लोगों को बुद्धिज्म से बहुत कुछ सीखना है, इतिहास में बहुत कुछ जांचनी बाकी है, तो लगता है कि बहुत कुछ बोल दिए हैं। ये जब मैं कह रहा था कि ये जुलाई से शुरू होता है सत्र, तो अंग्रेजों को तो 12 महीना ही नहीं पता था, यही से सीखा ना वो, और उसका प्रमाण है। अक्टूबर मतलब क्या, ऑक्टा माने आठवां महीना, सितंबर सेप्टा माने सातवां महीना, सेप्टा माने सात, ऑक्टा माने आठ, नवंबर नौवा माने नौवा, आ दिसंबर डेका डेका माने दसवा, दस को महीना ही होता था। दो महीना फिर यहां से वो लोग लेकर के जोड़ा, तो आपका देश बहुत समृद्ध रहा है, प्राकृत पर और संस्कृत पर फिलहाल मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि आपको मैं बता सकूं कि प्राकृत की क्या परंपरा है। और अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें जो लिपि चिन्ह है, लिपि चिन्ह वो 5 नहीं 10 लिपि चिन्ह एकदम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिपि का फोटो कॉपी। मैं तो कहता ही हूं कि अशोक की जो लिपि है उसका डेवलपमेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि से हुई है, पूरी एक परंपरा है, स्तूपों की पूरी परंपरा है, लिपि की पूरी परंपरा है। किसी ने भी कहा कि सर बोलते हैं कि बौद्ध सभ्यता
अभी किसी ने पूछा कि सर सेकुलर सेकुलर आप बोलते हैं कि केवल बौद्ध धर्म है कैसे, तो हमने कहा कि भाई ऐसा करो कि सेकुलर का मतलब धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष इसमें पढ़ाया तुमने पढ़ा, लेकिन मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि जो पढ़ाया उसको छोड़ दो। अब देखो जो अंग्रेजी की सबसे बड़ी डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, उसको लिखने में 125 साल लगा था, और इसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उसको लिखने में 76 साल लगा था। तो ये सब बड़ी डिक्शनरी है, तुम खोल करके देखो कि सेकुलर का क्या अर्थ होता है, उल्टा पुल्टा न पढ़ो न सुनो, जाकर डिक्शनरी देखो। सेकुलर का मतलब होता है जो परलोक में विश्वास नहीं करता है उसी को केवल सेकुलर कहा जाता है, और जो परलोक में विश्वास करता है उसको सेकुलर नहीं कहा जाता। अब मैं यहां पर रहा हूं, घर जाकर देखिएगा, सेकुलर का पहला अर्थ यही है, उसी से इसका ओरिजिन है कि जो परलोक में विश्वास नहीं। मुस्लिम धर्म करता है परलोक में विश्वास, इसीलिए उसमें जन्नत है। हिंदू धर्म करता है परलोक में विश्वास, इसीलिए इसमें स्वर्ग है। ईसाई धर्म करता है परलोक में विश्वास, इसीलिए उसमें हेवन है, वहां जाए। लेकिन बौद्ध धर्म परलोक में विश्वास नहीं करता है, इसीलिए बौद्ध धर्म ही मैं कहता हूं कि सेकुलर है। लेकिन हम लोग तो डेप्थ में जाते ही नहीं है, गहराई में। इधर नानक जयंती था 4-5 दिन पहले, हम लगे मैप देखे, तो मैप में क्या देखे, नानक देव भाई पैदल बड़ी बुद्ध की तरह चलते थे, गए कहां का देखिए। ये बात मैंने 15वीं सदी की है नानक, देखे कि भाई ये आदमी वही वही गया है जहां जहां सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार किया था, और जहां जहां दवाइयां बांटी लगा अशोक का नक्शा अपने हाथ में लेकर के घूम रहे, ठीक वही वही चला। ये मामूली बात नहीं है कि 15वीं सदी में भाई, यहां तो 15वीं सदी में वो उस आदमी को कैसे मालूम था कि सम्राट अशोक ने सीरिया से लेकर करके बंगाल की खाड़ी तक अस्पताल बनवाया। गुरु नानक लंका गए, नेपाल गए, उधर फिर ईरान, इराक, सीरिया तक गए, अशोक भी यही किया। यहां लोग कहते हैं कि कोई नाम लेवा नहीं था, कोई नाम लेवा नहीं था बुद्ध का और अशोक का। आपको आश्चर्य होगा कि भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त एक राजा था गुप्त वंश का, उसको हम लोग भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत में एक भी ऐसा राजा नहीं होगा जिसकी तुलना किसी वहां विदेश में किसी राजा से की जाए। सम्राट अशोक पहला राजा है, आखिरी राजा है भारत का, जिसकी तुलना विदेश के राजाओं से विदेशियों ने किया। लियांग बुटी चाइना का बहुत बड़ा सम्राट 6वीं शताब्दी से, लियांग बुटी को चाइना का अशोक कहा जाता है। यहां कंबोडिया में जयवर्धन हुआ, जयवर्धन सप्तम, जिसने अशोक के राह पर चलकर कर, अगर अशोक ने सीरिया से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक बुद्ध की प्रेरणा से अस्पतालों की कतार बिछा दी थी, तो उस राजा ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चीन तक अस्पतालों का जाल बिछा दिया। तो कंबोडिया के राजा जयवर्धन को कंबोडिया का अशोक कहा जाता है। सोच लीजिए, बर्मा के एक राजा थे, उनका नाम था धम्म चेती। धम्म चेती को बर्मा
कहा जाता है। इतना ही नहीं, चीन के राजा लियांग रूडी ने तो अपने देश चीन में सम्राट अशोक का मंदिर ही बनवा दिया था आज से 1500 साल पहले बना। सोच सकते हैं। एक बात सम्राट मैं कहता हूं, भारत का जिसकी तुलना कर कर करके विदेश के राजा अपनी छाती को चौड़ा करते हैं, मैं सम्राट अशोक और बर्मा का राजा थम चेती का बकायदे कल्याणी के शिलालेख है बर्मा में, जाकर देखिएगा बर्मा देश में किसने लिखा है अपने शिलालेख में कि मेरा सपना है कि मैं अशोक राज भारत में स्थापित, ये बर्मा में स्थापित करूं। बर्मा में उसने अशोक राज स्थापित करने का सपना देखा था। थमचेती ने 15वीं सदी में और 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक मारे मारे फिर रहा था। सम्राट अशोक के शिलालेख पढ़ने वाला इंडिया में कोई नहीं था। 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक को दो पिलर मिले थे अशोक का, जाकर के उसने दिल्ली में स्थापित कराया, एक मेरठ से और एक हरियाणा में है। कहा कि भाई इस पर क्या लिखा है, क्या है? रेशम, रेशम बनने वाली रुई पर अशोक के शिलालेख को इतना सुखवार, इतना सुंदर, इतना कोमल कि राज्यादेश निकाला था फिरोज शाह तुगलक कि रेशम वाली रुई लाई, उसी पर पिलर को सुलाया जाए। 42 पहिए की गाड़ी बनी थी और वो सम्राट अशोक का पिलर दिल्ली लाया गया। और फिरोज शाह तुगलक जब 1356 में दिल्ली लाया सम्राट अशोक का शिलालेख, तो विद्वानों से कहा गया उस जमाने में कि भारत का कोई विद्वान इसको पढ़े कि इस पर क्या लिखा है। तो जाली तो हर देश में रहे हैं ना, हर समय में रहे हैं। एगो कह दिया कि हम तो पढ़ लिए। राजा पूछा क्या लिखा है, तो कहा कि लिखा है कि एक जमाने में फिरोज शाह तुगलक नामक राजा होगा, वहीं इस पिलर को कबार करके दिल्ली लाया। पढ़ दिया। अरे अंग्रेज के जमाने में एगो वहां कोलकाता में विलियम जोन्स ने कहा कि भाई इसको क्या लिखा है ये तो बताओ, तो लोगों ने कहा कि बनारस विद्वानों की नगरी है, वहां भेजिए, वहां के लोग पढ़ेंगे। कोलकाता से छाप बना कर करके यहाँ के कलेक्टर को दिया गया, भाई बनारस विद्वानों की नगरी है, पढ़वाइए इस पर क्या लिखा है। तो बनारस में एक विद्वान ने जाली किताब बना और कहा कि हम तो पढ़ लिए, इस पर महाभारत की कहानी लिखी जाए। अब बहुत दिनों तक भारत में यही पढ़ाया जाता रहा, भीम की लाठी, भीम की लाठी। तो अशोक का शिलालेख बहुत पहले पढ़ाया जाता, सब कह दिया कि संस्कृत में लिखा हुआ, तो संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा ही नहीं था, पढ़ाता कैसे, सबको पता ही नहीं चला अंग्रेजों का कि प्राकृत भाषा में, वो सब संस्कृत में पढ़ा था ना, इसलिए नहीं पढ़ा। तो फिरोज शाह तुगलक 14वीं सदी में मारे मारे फिरा। अब उस जमाने में बर्मा का राजा थमचेती ने कहा कि मुझे सम्राट अशोक की राहों पर चलना है, बकायदे सम्राट अशोक का नाम लिखवाए, नालंदा यूनिवर्सिटी यहां ना आपने जला दिया, यहां जानते हैं अभी तिब्बत में, तिब्बत के एक छोटे से बौद्ध मठ में किताबों की लाइब्रेरी मिली है। जानते हैं कितने कितनी किताबें मिली हैं, किसी को पता ही नहीं था किसमें किताब है इस लाइब्रेरी में। बौद्ध मठ है, 84,000, इंटरनेट खोल करके देखिए, 84,000 तिब्बत जैसे
भैया भारत इतना बड़ा देश है, नालंदा इतना महाविहार था, नालंदा में कितनी किताबें होगी आप सोच सकते हैं। अच्छा नालंदा का पतन हो गया, लेकिन आठवीं और दसवीं शताब्दी में श्रीलंका ने नालंदा महाविहार बनवाया अपने देश में, नालंदा यूनिवर्सिटी श्रीलंका में, नालंदा यूनिवर्सिटी 15वीं सदी में भूटान में बना, 18वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी भूटान में बना, 21वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी जापान में बना, नालंदा यूनिवर्सिटी की धारा कभी नहीं रुकी, क्या प्रॉब्लम क्या है, चलती रही। चलिए आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।